हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डी आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग 3/4 मींस 3/4 रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड फाइंड द नंबर ऑफ डी इन द हर्ड। डीर मतलब हीर है। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डीर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमें टोटली नहीं पता इसका, तो इससे पहले भी हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो हमारे पास गिवन नहीं होता उसे हम क्या कर लेते, अज्यूम कर लेते। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ डी क्या अज्यूम कर लेंगे एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले, लेट टोटल नंबर ऑफ डी एक्स हमने अज्यूम कर लिया। अब हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डी आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब एक्स का हाफ ग्रेजिंग इन द फील्ड में, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डी आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इट मीन्स कितना हो गया, टोटल का हाफ क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई हाफ। टोटल हमारे पास एक्स है, उसका हाफ ग्रेजिंग इन द फील्ड में। एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बन जाएगा अपॉन में टू, एक्स अपॉन टू। तो हाफ तो ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आगे डिस्कस करते हैं एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने बचेंगे, टोटल हमारे पास एक्स है, हाफ तो ग्रेजिंग इन द फील्ड में, तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं पहले। रिमेनिंग रिमेनिंग हमारे पास एक्स टोटल में से एक्स अपॉन टू माइनस करेंगे, अपॉन में बल लगा कर एलसीएम लेंगे टू, टू एलसीएम हो जाएगा 2x माइनस एक्स, एलसीएम लेना आपको आती है। 2x में से x माइनस करेंगे x अपॉन टू। अब देखिए रिमेनिंग भी हमारे पास x अपॉन टू ही बचेगा, और सीधी सी बात है अगर x हमारे पास टोटल है, x अपॉन टू ग्रेजिंग इन द फील्ड में, तो टोटल का अब टोटल में से x अपॉन टू माइनस करेंगे तो क्या है, x अपॉन टू ही रिमेनिंग बचेगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय 3/4, लेकिन रिमेनिंग पार्ट हमारे पास x अपॉन टू, इसका 3/4 फाइंड करना है। x अपॉन टू मल्टीप्लाई 3/4, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास x अपॉन टू, इसका 3/4 ऐसे फाइंड करेंगे। देखिए कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं हो रहा है, 3x मल्टीप्लाई 3x अपॉन 4 टू जाएंगे 3x अपॉन 8 एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब ये तो प्लेइंग में गए 3x अपॉन 8, लेकिन रिमेनिंग का तो फाइंड किया हमने 3x अपॉन 8। अब वापस इसका रिमेनिंग फाइंड करेंगे, रिमेनिंग रिमेनिंग x अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 8। एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, देखिए अपने सॉल्व कर लूं, 2 एंड 8 का एलसीएम आएगा हमारे पास, 2 से डिविजिबल है 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 से अगेन डिविजिबल है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 2 से अगेन डिविजिबल 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो हम जब तक इसको सॉल्व करते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में 1 यानी ये एलसीएम पार्ट होगा हमारे पास 2 × 2 × 2 इट मींस 8 एलसीएम आया हमारे पास, 8 एलसीएम लिया। एलसीएम में 2 का डिवाइड करेंगे 4, 4 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। एलसीएम सॉल्व करने आते ही हम इस एलसीएम वाले पार्ट 8 में 8 का डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 4x में से 3x माइनस करेंगे x अपॉन 8, ये बचेगा रिमेनिंग हमारे पास x अपॉन 8। अब ये बोल रहा है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, इट मींस x अपॉन 8 ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और ये किसके इक्वल होगा 9 के। रेस्ट x अपॉन 8 आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड,
इट मीन्स एक्स अपॉन है ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, ये देखिए गिवन भी है किसके ऊपर, 9³ नाइन के ऊपर, इट मीन्स एक्स अपॉन 8 को हम किसके इक्वल कर देंगे, 9 के इक्वल कर देंगे। अब 9 के इक्वल में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स जो चीज डिवाइडिंग होती है किसमें पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा 72 टोटल नंबर ऑफ टीथ हमने अज्यूम किए थे एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई 72, हेंस टोटल नंबर ऑफ टीथ, टोटल नंबर ऑफ टीथ इक्वल टू 7, टोटल जो हमारे पास है एक्स की वैल्यू क्या है 72, दैट इज इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आते ही, लेकिन डिवाइड के फॉर्म में जब इक्वेशन गिवन हो तो हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं उसको, एलसीएम लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करेंगे, देखिए वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट को इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये कॉन्स्टेंट पार्ट माइनस का 1 अपॉन 5 RHS में ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा x अपॉन 2, प्लस का x अपॉन 3 इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन 5। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं LHS पार्ट में वेरिएबल होते हैं और RHS पार्ट में क्या होते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट। अगर आपको RHS में वेरिएबल नजर आए तो उसको ट्रांसफर कर लेंगे LHS में, LHS में अगर कांस्टेंट नजर आए तो उसको ट्रांसफर कर लेंगे RHS में, लेकिन ट्रांसफर करने पे आपको पता है उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई, तो आपको एक लाइन याद रखनी बस अपोजिट साइन हो जाता है। अब देखिए तो डिवाइड में होता है उसको हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, एलसीएम लिया हमने, 6 में डिनोमिनेटर 2 का डिवाइड करेंगे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 6 में 3 का डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा 2, 3 2 जा 6, 2 आएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2x इज इक्वल टू 4 एंड 5 का एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम लोगे आप यहां साइड में 2 से डिविजिबल है 2, 5 2 से अगेन डिविजिबल है 1 टाइम्स 5, और 5 को 5 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। तो एलसीएम लेने का मेथड आपको आते ही हम जब तक डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब तक हमारे पास लास्ट में 1 बन नहीं आएगा। अब जो ये डिजिट है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एलसीएम होगा हमारे पास 5 2 10 10 2 20 एलसीएम आए, एलसीएम में 20 में 4 का डिवाइड करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखिए प्लस माइनस, माइनस होता है 3x में से 2x माइनस करेंगे, बड़ी वाली डिजिट हमारे पास पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा 1x, इट मींस x अपॉन में 6 इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 अपॉन में 1, जो चीज डिवाइडिंग होती है वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी मल्टीप्लाई में, x इक्वल टू 9 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 6, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे हम, 2 से कैंसिल हो रहा है 20 एंड 6, देखो कैंसिल का मतलब डिवाइड करने होता है सेम डिजिट से, 2 से आपने डिवाइड किया 6 को 3 टाइम्स और 2 से आप 20 को डिवाइड कर दो 10 टाइम्स, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 9 कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप क्या करो 9 3 सा 27 और अपॉन में क्या है, तो x की वैल्यू 27 अपॉन 10। अब आपको पता है जो अपॉन में जितने जीरो होते हैं 1 के साथ उतनी लास्ट डिजिट से काउंट करके उतनी डेसिमल लगा देंगे, देख कितनी जीरो है 1 0, लास्ट डिजिट 1 के बाद आपको एंड लगा देंगे, तो आप ऐसे भी दे सकते हो उसका आंसर 2.7 या फिर 27 डायरेक्ट 10 का डिवाइड कर लो 2.7 ही आएगा, लेकिन ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो 1 के साथ जितनी जीरो होती है डिवाइड उतनी ही डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन बैक साइड से काउंट करके लगा देंगे, तो इसका आंसर 2.7, x इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारे पास 2.7, दैट इज